वही उत्तराखंड के पौड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के इंस्पेक्टर ने पौड़ी में एनएसजी सहायक कमांडर स्वर्गीय हरीश सिंह नेगी को उनके गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। दरअसल साल 1990 में पंजाब में हुए आतंकी हमले में पौड़ी के वीर सपूत और एनएसजी में सहायक कमांडर हरीश सिंह की आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, जिनके बलिदान को याद करते हुए गांव में हरीश सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। हरीश आदर्श विद्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है और उनके परिवार को हर साल 1,00,000 आर्थिक सहायता भी एनएसजी टीम ने दी है। एनएसजी की तरफ से हमें तो सर सबसे पहले ये होता है कि वो सकुशल पूछते हैं हमारी कुशल क्षेम परिवारजनों की, और जितना भी उनसे होता है वो हमको भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, जैसे आर्थिक रूप से या किसी अंग वस्त्र के रूप में वो हमें प्रदान करते हैं। हम एनएसजी का हमेशा आभारी हैं, वो हमें याद करते हैं, एक लंबे समय तक याद करते रहते हैं। सर हमने इससे पहले कई बार प्रशासन को पत्र लिखे हैं, सचिवालय तक लिखे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने आगे सुनवाई नहीं की। और अब तो हम काफ़ी मतलब 32 साल हो गए हैं यहाँ के, जो जितने भी बच्चे पढ़े वो आगे जा करके अच्छे अच्छे निकले, लेकिन सरकार उत्तराखंड सरकार की तरफ से हमें थोड़ा सा मतलब वो आर्थिक सहायता वगैरह ह्रास होना पड़ा मतलब उनकी तरफ से हमको। पहले तो मैं श्री हरि सिंह नेगी को बहुत बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना बलिदान दिया देश के, सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। और पहले उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं। जो 6 जुलाई 1990 को ऑपरेशन क्लाउड नाम का एक ऑपरेशन चलाया था एनएसजी ने तरन तारण पंजाब में, जिसमें कुछ आतंकवादियों का खबर मिली थी हमें, तो एनएसजी की तरफ से एक टीम गई थी उन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए, जिसके कमांडर थे श्री एच एस नेगी सर। तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों को मुकाबला किया, आतंकवादियों ने चारों तरफ से घेर रखा था, उनके गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और एक आतंकवादी को ढेर किया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी बहादुरी से उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए काफ़ी बहादुरी दिखाई और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इसी के उपलक्ष्य में एनएसजी हर साल रेजिंग डे के, जो एनएसजी का रेजिंग डे होता है 16 अक्टूबर, उसी दिन एनएसजी हर साल अपनी तरफ से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है, 1,00,000 रुपये का उनको आर्थिक सहायता देती है, जो चेक के माध्यम से उनको प्रदान किया जाता है हर साल।